व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5 का ब्रांड न्यू एपिसोड। और भाई, मैं आप सबको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का जो नाम है गेमर ऑफ भारत से बदलकर मैंने बीबी गेमर रख दिया है, ताकि भाई मेरे सब्सक्राइबर को सर्च करने में दिक्कत ना आए, और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं जो मेरे फ्यूचर में जुड़ने वाले हैं उनको भी दिक्कत ना आए शॉर्ट नेम है। तो भाई, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, भाई हम लोग मार्टिन मद्रासो को किडनैप करके ला चुके थे लेस्टर के बेस में, यानी ऑफिस में। और लेस्टर भाई उसको इतना धो रहा था कि भाई उसकी मतलब बिल्कुल ही उसकी शक्ल बंदर जैसी बना दी थी यार। तो आज हम फिर से आए हैं लेस्टर के ऑफिस में और देखते हैं कि भाई लेस्टर ने मार्टिन मद्रासो का क्या हाल किया है। तो चलते हैं भाई लेस्टर के ऑफिस में और देख लेते हैं कि भाई लेस्टर ने उसका क्या हाल किया है। लेस्टर का ऑफिस जो है वो आप देख ही सकते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत सारा काम किया जाता है ताकि भाई लोगों को शक ना हो। और लेस्टर यहाँ पे भाई मोबाइल पे पता नहीं क्या ही चैटिंग कर रहा है। तो देख लेते हैं भाई मार्टिन मद्रासो क्या कर रहा है। ओके, मार्टिन मद्रासो है, तेरी भैंस की आंख, मेरी फैमिली को किडनैप किया था भाई, देख ले भाई, मार मार के तेरे को लेस्टर ने बंदर बना दिया है। तो गाइज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई इस माफिया की जो है भाई वो नीलामी हो चुकी है। नीलामी कैसे? एक भाई बहुत ही बड़ा माफिया है लॉस सैंटोस में, जिसका बंगला जो हमें पसंद आ चुका है, और उस बंगले को हम भाई अपने सीक्रेट बेस की तरह यूज करने वाले हैं। तो भाई माफिया ने हमसे डील रखी थी कि भाई अगर मैं मार्टिन मद्रासो को उसको दे देता हूँ तो बदले में हमें वो माफिया जो मेंशन है वो दे देगा। और भाई उस मेंशन को भाई मैं दिखाऊंगा आपको, भाई बहुत ही जानदार मेंशन है यार। उस मेंशन को हम लोग सीक्रेट कैंप में तब्दील करने वाले हैं। तो भाई इस मार्टिन मद्रासो को मैं आज उस माफिया को हैंड ओवर करने वाला हूँ। तेरी भैंस की आंख भाई, तू बिक गया आज। तो भाई इसको मैं बेचने वाला हूँ उस माफिया को, और बदले में लेने वाला हूँ भाई बहुत ही बड़ा मेंशन। और जहाँ पे उस मेंशन में हम लोग मार्टिन को दे के भाई उस मेंशन को ले लेंगे, और उस मेंशन को हम लोग सीक्रेट बेस में कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पे ट्रेवर, मैं और फ्रैंकलिन अपनी जो मीटिंग्स वगैरह है हिस्ट की वो सब करा करेंगे। तो भाई मार्टिन भाई जल्दी से आ जा, और चलते हैं भाई नए माफिया के पास, जो भाई तेरा खरीदार है। तो भाई उसके पास चलते हैं और देख लेते हैं कि भाई वो क्या करने वाला है इसके साथ। अपन को कोई मतलब नहीं है भाई, अपन लेके चलते हैं अपनी बुगाटी के अंदर इसको। और लास्ट टाइम भी इसने मेरी कार का दरवाजा तोड़ दिया, तो भाई इस बार भाई सही से बैठ जाना, आराम से बैठना, मुझे पता है तू बुगाटी में पहली बार बैठ रहा है। तो भाई यहाँ पे ये बैठ चुका है मेरी बुगाटी में, और चलते हैं भाई उस माफिया के पास जिसके वो मैंने ये मार्टिन मद्रासी को बेच दिया है, मार्टिन मद्रासी। तो भाई नाम भी इसका बहुत ही अजीब है, और उसको मैंने बेच दिया है इसके पास। तो भाई चलते हैं वहाँ पे, और भाई मैं आपको उसका मेंशन दिखाऊंगा। भाई बहुत ही प्यारा मेंशन है, बहुत ही शानदार मेंशन है। अगर वो भाई हमें मिल जाता है ना, वो सच में अगर ये डील लिए अगर सच की करता है ना, तो भाई वो मेंशन को अपन कन्वर्ट करेंगे भाई हमारी सीक्रेट बेस के अंदर, जिसके अंदर अपन लोग बहुत सारी डील्स वगैरह करा करेंगे और बहुत सारी हिस्ट वगैरह करा करेंगे। तो चलते हैं उस मेंशन में, और भाई देख ही सकते हैं कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपका भाई गाड़ी भगाते पहाड़ी एरिया में लेके आ चुका है। और भाई बहुत ही शानदार मतलब ये मेंशन आपको सामने दिख रहा है भाई, रेड कलर का, जैसा कि मेरा मालिक मेंशन है सेम उसी कलर में ये वाला मेंशन 1954। बहुत बड़े माफिया का मेंशन है ये। तो भाई आज देखिए, आज सिक्योरिटी गार्ड भी काफ़ी कम लग रहे हैं यहाँ पे। और भाई यहाँ पे मैं इसको मारूंगा तो नहीं, बट बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को इस भैंस की आंख पे, पर यहाँ पे नहीं मारूंगा, इसका जो करना होगा वो माफिया कर ही लेगा अपने आप ही। तो भाई वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि भाई इसका क्या करेगा वो माफिया। और अपन को कोई मतलब नहीं है भाई, इसको माफिया मारे या पीटे या जेल में बंद करके, अपन को भाई इसने डील रखी गई, अगर मैं इस मार्टिन मद्रासो को इसको दे देता हूँ तो बदले में ये इतना प्यारा जो बड़ा मैंशन है वो मेरे को दे देगा, और इस मैंशन को मैं कन्वर्ट करूंगा अपने सीक्रेट बेस के अंदर। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भाई, इतना जबरदस्त बंदा है ये, इतनी इसकी पहुंच है, इतना सारा पैसा है इसके पास। तो भाई इसको अगर पता चला था कि मैंने मार्टिन मद्रासो को किडनैप किया, तो जैसे ही मैं इसको पता चला तो इसने भाई मेरे सामने डील रख दी कि भाई अगर मैं मार्टिन मद्रासो को इसको दे देता हूं तो बदले में ये मुझे इतना जो 100 मिलियन का बंगला है इसका वो मेरे को दे देगा। तो भाई मार्टिन मद्रासो देखो नाटक कर रहा है, देखो यहाँ पे आने की कर रहा है। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मार्टिन मद्रासो को मैं इसको हैंड ओवर दे चुका हूँ, और इसने मुझे ये बोला था कि भाई जैसे ही मैं ये दे दूंगा तो भाई ये मेरे को बंगला दे देगा, बट इसने अभी हैंड टू हैंड एक और डील रख दी मेरे सामने कि भाई आज रात को लॉस सैंटोस में भाई बहुत ही बड़ी एक कार रेसिंग होने वाली है, उस कार रेसिंग में बहुत ही एक 75 मिलियन की जो स्पोर्ट्स कार है वो आने वाली है, तो भाई उसको मुझे चुरा के इसको देना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, और भाई बंगला तो चाहिए ही मेरे को, बट मेरे को नहीं पता था कि मेरे को ये एक और डील मेरे को सामने रख देगा। खैर कोई बात नहीं, अगर रख ही दिए तो भाई मैं इसको ही पूरा कर दूँगा, क्योंकि ये बंगला जो है भाई किसी भी कीमत में मुझे चाहिए वो बंगला। तो भाई यहाँ पे मैं बैनी को कॉल करूंगा और बैनी को ही मैं पूछूंगा कि भाई आज कौन सा जो शो होने वाला लॉस सैंटोस में, क्योंकि भाई मुझे इतना आइडिया नहीं है। और बैनी भाई बहुत ही फाड़ू बंदा है यार, उसको सब चीज़ें लॉस सैंटोस में क्या होने वाला है, कार रेसिंग कब होने वाली है, कौन सी रेसिंग कब होगी कब नहीं होगी, सब की सारी डिटेल बैनी को पता है। तो मैं बैनी को यहाँ पे कॉल करूंगा और बैनी को मैं सारी की सारी डिटेल पूछ लूंगा।
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे ये बंगला जो है वो मैं सोच रहा हूँ लेने की। हालांकि 50% मेरे हाथ में आ ही चुका है और 50% जो है भाई गाड़ी जो मैं उसको चुरा के मैं दे दूंगा ना, तो उस गाड़ी को चुराने के बाद भाई ये बंगला मेरे नाम कर देगा। और मुझे नहीं पता कि भाई बंगला ये कब खाली करेगा। अगर भाई इसने गाड़ी देने के बाद बंगला खाली नहीं करा ना, तो भाई इस माफिया को मैं मार मार के बंदर बना दूंगा, सच में कह रहा भूत बना दूंगा इसको मार मार के। और भाई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई, जो भी बंदा नया है चैनल पर जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और भाई फटाफट मेरी फैमिली में जुड़ जाओ भाई, तभी मजा आएगा, तभी बहुत सारी ऑसम वीडियोस आने वाली की। और भाई यहां पे मैं जो बैनी को मैंने कॉल कर दिया और बैनी ने मुझे बताया कि भाई एक होने तो वाला है और उसको पता नहीं है कि कौन सी गाड़ी आने वाली, बट हाँ उसने मुझे ये जरूर बताया कि भाई यहाँ पे एक फंक्शन होने वाला है रात को। तो अभी जल्दी से चलते हैं वहाँ पे और फटाफट से भाई प्लानिंग करते हैं कि भाई किस तरह से उस रेसिंग कार को चुराया जाए और इस माफिया को दे दिया जाए। मुझे इस माफिया का नाम नहीं पता है भाई, रैंडमली कोई माफिया का कॉल आया था मेरे पास और मुझे बोल रहा था कि भाई आपने जो मार्टिन मद्रा जो किडनैप किया है भाई, अगर वो मुझे आप दे दे ना तो भाई मैं आपको मेरा जो बंगला है वो दे दूंगा जिसकी कीमत $100 million है। तो यहाँ पे भाई बैनी का भी मेरे को कॉल आ गया, मैसेज आ गया भाई, उसने मुझे लोकेशन दे दी है। तो जल्दी से चलते हैं वहां पे और देखते हैं कि भाई वहां पे कैसी तैयारी है और कौन सा शो होने वाला है भाई, जिसकी खबर मुझे नहीं थी। खैर मुझे इतना कारों में इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे भाई लाइफ में बहुत पैसा। ए भाई ट्रक वाला किस तरह चला भाई, उतार के इतना बुरी तरह से मारूंगा ना, सही से चला ले भाई। मेरी बुगाटी को अगर कोई खरोंच तक आती ना भाई, मैं इसको उतार के भाई बंदर बना देता भाई मार मार के। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आपका भाई गाड़ी भगाते भगाते भाई पहाड़ों वाले एरिया में लेके आ चुका है और भाई जल्दी से चलते हैं उस एरिया में जहां पे वो शो होने वाला है। तो भाई 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 मैंने सबको बोल ही दिया भाई, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से जाओ, जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करो, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो और जल्दी से मेरी फैमिली में जुड़ जाओ, तभी बहुत सारा मजा आने वाला है। तो भाई जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि भाई यहाँ पे पेट्रोल पंप में मैं पेट्रोल भराने तो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी टंकी फुल थी, मैं आपको सिर्फ गाड़ी दिखाना। भाई देखो इतनी सी गाड़ी को भाई कितना ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया इन्होंने यार, खतरनाक वाला मॉडिफाई कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, अभी जल्दी से चलते हैं भाई। लोकेशन जो मुझे दी थी ना वो डायमंड कैसीनो की दी थी। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं डायमंड कैसीनो की तरफ पहुंच चुका हूं और यहां पे वो शो होने वाला है एज पर बैनी। बैनी ने मुझे ये बोला था कि भाई यहां पे वो शो होने वाला है और भाई दिन में तो इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी, रात में पर बस जैसे ही आप अगर थोड़ा लेट करोगे ना तो भाई रात को या शाम को भाई सिक्योरिटी आनी शुरू हो जाएगी और बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। डायमंड कैसीनो आप देख ही सकते हैं, यहां पे डायमंड कैसीनो आ गया और इसके बगल में कार शो जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। आप देख लीजिए भाई इतना बड़ा सेटअप यहां पे किया गया ना भाई, मतलब कसम से कह रहा हूं बहुत ज्यादा बड़ा सेटअप किया। तो फटाफट से मेरी बुगाटी को मैं यहां पे लगा देता हूं और आपको मैं जो सेटअप है वो सारा का सारा सेटअप दिखा देता हूं भाई, किस तरह से क्या सेटअप होने वाला है यहां पे। तो मैंने यहां पे अपनी जो बुगाटी वो खड़ी कर दी और फटाफट चलते हैं वहां पे जहां पे ये कार शो का जो भाई बहुत ज्यादा बड़ा सेटअप दिया हुआ है, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो कि यहां पे भाई ग्रीन स्क्रीन वगैरह सब कुछ लगा रखे और बहुत ऑसम लेवल का यहां पे मतलब वो करा हुआ है यार पूरा इंतजाम। गार्ड्स वगैरह भी देख सकते हो, कैमरे सब कुछ मतलब इतना ज्यादा हाई लेवल में किया हुआ है ना। आप देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे कैमरे वगैरह लगे, ओ भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का भी इफेक्ट दे रखा है। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ एडिटिंग हो रहा है। ओ भाई भाई देखो फोटोग्राफर भी, ओ भाई कितनी शानदार गाड़ी है भाई, अपनी वाली गाड़ी कौन सी है यार, मतलब वो कौन सी ऐसी गाड़ी है जो मुझे बैनी ने बोला था कि भाई तू देखते ही समझ जाएगा, और माफिया ने भी मुझे ये बोला था कि भाई आप देखते ही समझ जाओगे वो गाड़ी कौन सी है। तो आगे चल के देखते हैं, ओ भाई साहब वो बड़ी है यार गोल्डन कलर की गाड़ी, वो वाली गाड़ी। तो भाई पूरे यहाँ पे शो में एक ही ऐसी गाड़ी है जो भाई बहुत ही ज़्यादा रॉयल लुक में आ रही है। तो भाई आप लोगों को जिसको ये गाड़ी का नाम पता हो ना तो भाई कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा इस बहुत ही ऑसम लेवल की गाड़ी का। अब मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पे ना मुझे अंदर जाने देते हैं या नहीं देते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं यार मार वार नहीं दे यार, लड़ाई वड़ाई नहीं हो जाए। खैर मैं धीरे धीरे जाके ना देखता हूँ कि भाई यहाँ पे मतलब मुझे अंदर जाने देते हैं, और भाई दे दिया ना अंदर जाने के, भाई मैं यहाँ से ही उड़ाते हुए गाड़ी लेके जाऊँगा, सबको मचका दूंगा। तो थोड़ा मैं यहाँ पे टहल लेता हूँ और यहाँ पे भी देखो बहुत सारे फोटोग्राफर जो हैं भाई अपनी अपनी फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। तो गाड़ियाँ बहुत सारी आ चुकी हैं, यहाँ पे एक विंटेज कार भी आई है और काफ़ी अच्छा शो चल रहा है यहाँ पे। तो भाई मेरी नज़र जो है मैं उस पर देख लेता हूँ। खैर थोड़ा सा आगे, ओ भाई साहब हमर लेके यार क्या कर क्या रहा है बंदा यार हमर लेके। तो यहाँ पे भाई डीजे वगैरह बहुत सारे ऑर्गेनाइज हो रखे हैं शाम की पार्टी के लिए कर रहे हैं। ओए होए 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 भाई साहब मार दिया यार। खैर भाई अभी मैं यहाँ पे नहीं होता ना तो भाई उतार के इतना बुरी तरह मारता ना, भूत बना देता यहाँ पे। मैं देखो गोली वोली नहीं चला सकता हूँ, अगर मैंने गोली चला दी ना यहाँ पे तो भाई मेरा जो प्लान है वो बिगड़ जाएगा। खैर अभी मैं धीरे धीरे चलता हूँ यहाँ पे और मैं कोशिश करता हूँ कि भाई ये जो गाड़ी है ना मैं चुराने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। भाई गाड़ी का नाम अगर किसी को पता हो ना तो भाई कॉमेंट बॉक्स जरूर से बता देना, क्योंकि मुझे इस गाड़ी का नाम पता नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्टली चोरी करने आया हूँ यहाँ पे और मुझे कोई मतलब नहीं कौन सी गाड़ी है कौन सी नहीं है। मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ यहाँ पे अंदर जाने की और देखता हूँ कि भाई
यहाँ पे ये गाड़ी मैं किस तरह से चुरा सकता हूँ। और मैं भाई अंदर तो आ ही चुका हूँ और थोड़ा थोड़ा और अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि भाई 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 गेट खोल ले, गेट खोल ले, गेट खोल ले। ओके गाइस यहाँ पे मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ और भाई मैं फटाफट से चलता हूँ। ओके भाई 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 इतनी सारी गोलियाँ चल रही हैं यहाँ पे भाई, बहुत ज़्यादा गोलियाँ चलने लग गई यार, कसम से कह रहा हूँ भाई मार ही देंगे यार। तो भाई फटाफट से यहाँ पे चलता हूँ और भाई इसकी गाड़ी की स्पीड देख लो भाई, क्या ही ज़बरदस्त भाई रफ्तार पकड़ ली गाड़ी ने। और भाई यहाँ पे मैं किसी को मार तो नहीं पाया बट हाँ मैं गाड़ी लेकर जरूर भाग चुका हूँ यहाँ पे, गोलियों की आवाज़ मेरे को अभी तक आ रही है यार, तो भाई धीरे धीरे कम हो जाए। खैर मैं यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ और भाई यहाँ पे ओ ओ भाई साहब पुलिस वाले गाड़ी भी आ गए और भाई गोलियाँ स्टार्ट हो चुकी है यार। भाई 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 यहाँ पे आगे उन्होंने खबर भी दे दी और खबर देने के बाद भाई बहुत सारी पुलिस भी यहाँ पे आ चुकी है। भाई फायरिंग हो रही भाई, जल्दी हट यार, जल्दी हट भाई, मुझे गाड़ी निकालने दे यहाँ पे, गाड़ी फायरिंग फायरिंग भाई भाई इतनी जबरदस्त फायरिंग कर रहे हैं वो लोग, पर भी गोली भी नहीं लगी क्योंकि गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज है यार। खैर यहाँ पे मैं आगे बढ़ चुका हूँ और देख लेता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं किस तरह से कैसे इस गाड़ी को भगाता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं भगाते भगाते गाड़ी को बहुत दूर तक लेकर, और भाई ये जो गाड़ी है ना भाई बुलेट प्रूफ है, साउंड प्रूफ है और इसके अंदर भाई कोई डेंट भी नहीं लगता, इतनी ऑसम गाड़ी है। और भाई इसीलिए वो माफिया इस गाड़ी को मंगवा रहा था क्योंकि भाई गाड़ी है ना भाई मतलब ऑसम लेवल गाड़ी, यहाँ पे इस गाड़ी को भाई बुलेट प्रूफ गाड़ी है और भाई इसको टक्कर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं यार इतनी टक्कर मेरी हो रही पर इसकी लाइट नहीं टूट रही यार, कोई भी एक डेंट तक इसमें नहीं लग रहा है। तो गाइस बहुत ज़्यादा गाड़ी ऑसम लेवल की यार, इतनी फटाफट से भाग रही है और आप देख रहे हैं गाइस 3 स्टार की पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी है और भाई बहुत ज़्यादा ही मतलब यार मतलब पीछे पड़ चुकी है भाई भाई, बहुत 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 फायरिंग भी कर रही है यार, क्या ही करें क्या नहीं करें, फायरिंग तो बहुत ज़्यादा ही कर रही है यार। खैर मैं गाड़ी को भगाते हुए लेके आ चुका हूँ, आप स्पीड देख सकते हैं गाइस 437 की स्पीड इसने क्रॉस कर ली है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ऑसम लेवल गाड़ी यार, मतलब मैं इसको चला नहीं पा रहा हूँ यार, इतनी खतरनाक गाड़ी भाई। पुलिस वाले भाई गंद यार इतनी मार रहे हैं भाई पर इस गाड़ी को लग नहीं रही है यार, बहुत ज़्यादा ऑसम लेवल गाड़ी भाई, मेरे हत्ते चढ़ गए भाई, पुलिस वाले भाई मान ही नहीं रहे यार, पर ये गाड़ी भाई मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही है कसम से कह रहा हूँ। खैर अभी जो पुलिस का जो वो टंटा तो वो छूट चुका है सारा, 3 स्टार की पुलिस जो मेरे पीछे लगी थी वो सारी जा चुकी है। अब मैं इस गाड़ी को गाइस धीरे से नीचे उतारूंगा और फटाफट से लेके चलूंगा माफिया के मेंशन में और वहां पे उसको ये गाड़ी देके बहुत सारा पैसे वाला जो बंगला है वो भाई अपने नाम कर लूंगा, फटाफट से उसको भी मैं अपने सीक्रेट बेस के अंदर कन्वर्ट करूंगा अगर वो माफिया भाई मना करता है ना। तो भाई सच में कह रहा हूँ पूरे मूड में हूँ, उसने मुझसे 2 काम करवा लिए यार, मार्टिन को भी उसको कब्जे में ले लिया और भाई गाड़ी भी उसने चुरवा ली, और अब अगर वो मना करता है ना कसम से कह रहा हूँ उसको मार के मैं भूत बना दूंगा, सच में कह रहा हूँ। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही तो फटाफट जाओ लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल और भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके भाई मेरी जो फैमिली है वो हिस्से में बन जाओ। और गाइज चैनल का नाम आपको नया याद रखना है, बीबी गेमर नाम से, गेमर ऑफ भारत पुराना हो चुका है, उस पुराने चैनल को मैं नए चैनल यानी बीबी गेमर में कन्वर्ट कर चुका हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपका गाइज दो गाइस आपका भाई गाड़ी भगाते भगाते लेके आ चुका है माफिया के मेंशन में और यहां पे आप लोग देख सकते हैं भाई सिक्योरिटी पूरी गायब हो चुकी है, यहां पता नहीं कहीं गई होगी। तो गाड़ी को मैं यहां खड़ी कर देता हूं और गाड़ी को खड़ी करके भाई जाते हैं माफिया के पास और देखते हैं माफिया क्या कहता है गाड़ी देने के बाद और माफिया ने मार्टिन मद्रासो को क्या हाल किया वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइस यहाँ पे ओके भाई इसको मार मार के भूत बना दिया, यहाँ पे बहुत बुरी तरह से इसको मारा है माफिया ने, माफिया भाई कसम से कह रहा हूँ ऑसम लेवल का बंदा है। तो गाइस यहाँ पे मैंने माफिया से बात कर ली और माफिया ने बोला ठीक है भाई तुमने मेरे 2 काम कर दिए और आज से ये मेंशन जो है वो तुम्हारा है। तो गाइस आज से ये मेंशन मेरा हो चुका है और भाई आज से मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो मेंशन ना हम लोग अपने सीक्रेट बेस के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं और यहीं पे ट्रेवर मैं और जो अपना माइकल है मैं और ये अपना क्या नाम है इसका लेस्टर वगैरह सारे की सारी हम लोग ना सीक्रेट मीटिंग यहाँ पे ही करा करेंगे। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ हाउस टूर अपना, तो चलते हैं घर के अंदर और देख लेते हैं भाई ये अपना जो है ना किचन एरिया होने वाला है और ये अपना भाई ड्राइंग रूम है, यहाँ पे कभी कभार कोई पार्टी वार्टी अगर ओपन करना चाहें तो पार्टी वार्टी भी कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पे भी देख सकते हो दारू वारू का पूरा सीन चल रहा है यहाँ पे और मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, ऊपर भी आपको बता देता हूँ यहाँ पे भी गाइज अपन मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मतलब शांत रूम है, AC लगे हुए हैं यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे अपना जो ड्राइंग रूम वगैरह रात को अगर काम करते करते नींद आ जाती है ना तो गाइज यहाँ पे भी अपन सो सकते हैं, लैपटॉप वगैरह सारा का सारा पड़ा है इसके अंदर और ये अपना जो लैट बाथ है यहाँ पे अटैच लैट बाथ भी है। तो गाइज बहुत 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 मजा आने वाला है इस मेंशन में यार, यहाँ पे भी अपन छोटी मोटी मीटिंग भी कर सकते हैं, दारू वारू पीना हो एंजॉय करना हो सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी बेड बनाए हुए हैं तो भाई मतलब अगर घर में ज्यादा बंदे होते हैं ना कभी पार्टी वार्टी करी कोई दारू वारू पीकर सो जाता है ना तो यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे मेरे को कॉल भी आ चुका है तो
यहाँ पे अब क्या कहते हैं, ट्रेवर का कॉल आया भाई। ट्रेवर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। ट्रेवर भाई गया था एक रेस्टोरेंट में खाना पीना कर रहा था भाई, वहाँ पे बाइकर्स गैंग ने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो चलते हैं भाई ट्रेवर को बचाने के लिए। और भाई देख ही सकते हो अभी मैं सुपर कार में आया था और अभी मेरे को ट्रक लेके जाना पड़ रहा है। ये ट्रेवर भी ना यार, ट्रेवर बैठे बैठे पंगे ले लेता है, कसम से कह रहा हूँ यार, बहुत मतलब बेकार आदमी। खैर वहीं जाने के बाद पता चलेगा कि हुआ क्या एक्चुअली। तो गाइस चलते हैं अभी हुकीज रेस्टोरेंट, वहाँ पे ट्रेवर का पंगा हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो चुकी है, अपन ने एक मैंशन भी ले लिया है और मार्टिन मद्राजो को उसको दे भी दिया है, जो कि अपना दुश्मन था। खैर वो अब मार्टिन मद्राजो को मारे कूटे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो भाई देख के आ चुके हैं, मैंशन भी अपने हाथ आ चुका है। तो अभी अपन चलने वाले हैं भाई हुकीज रेस्टोरेंट, जो कि हाईवे पे है और माउंट चिलियार्ड के नज़दीक ही है। मतलब माउंट चिलियार्ड की जो एंट्री होती है ना नीचे से, तो उसी जगह पे वो माउंट चिलियार्ड का जो हाईवे रोड है उसी जगह पे हुकीज रेस्टोरेंट है। तो वहीं पे ट्रेवर का कुछ पंगा हुआ था। तो गाइस चल के देखते हैं कि भाई ट्रेवर का क्या पंगा हुआ है वहाँ पे। और भाई मतलब धो दूंगा कसम से कह रहा हूँ भाई, ट्रेवर मेरा इतना अच्छा फ्रेंड है यार। और गाइस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और मेरे को कुछ यहाँ पे दिखाई तो अभी तक तो नहीं दे रहा है। खैर अभी चलते हैं आगे। गाइज अपन यहाँ पे पहुँच चुके हैं और गाइज आप देख सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा भीड़ लग रखी है यहाँ पे यार। और ट्रेवर भी यहाँ पे खड़ा छुपा हुआ है और मेरा इंतज़ार कर रहा था। ठीक है भाई ट्रेवर मैं आ चुका हूँ और भाई देखते हैं यार कौन बंदा पंगे कर रहा है यार। चल चल आज तू चल और देखते हैं कि भाई कौन बंदा इतना पंगे कर रहा है। तो गाइज यहाँ पे ट्रेवर भाई यहाँ पे बंदूक बंदूक लेके भाई खड़ा है भाई, फुल सेट है, मतलब सोच ही रखा है इसने मारने की। तो गाइज अपन ही बंदूक ले लेते हैं और पहले मैं कोशिश करता हूँ कुछ बातचीत करने की, अगर सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम तो बातचीत करके सॉल्व होता है भाई, लड़ाई करनी जरूरत नहीं। खैर फिर भी मैं गन्स वगैरह अपने छुपा कर रख लेता हूँ, मैं पहले कोशिश करूँगा कि बातचीत से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो भाई इतना पंगा नहीं करना है। देखते हैं चलते हैं गाइज यहाँ पे कोई बंदा। गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा पंगा होने वाला, गाइज यहाँ पे कसम से कह रहा हूँ इतनी फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे को बहुत मतलब यार बहुत ज़्यादा। गाइज यहाँ पे ओ गाइज यहाँ पे मेरे को गाइज यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। गाइज 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 भागो 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 फटाफट से यार, गाइज यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। और भाई मैं तो सिर्फ बात करने के लिए आया था भाई, इन्होंने भाई कसम से कह रहा हूँ मतलब बहुत बुरी तरह से फायरिंग स्टार्ट कर दी है। और भाई देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है यार। और भाई बहुत खतरनाक वाली फायरिंग कर रहे हैं यार ये लोग, मतलब यार मान ही नहीं रहे हैं यार, कसम से कह रहा हूँ यार बहुत बाद। भाई ट्रेवर आरपीजी निकाल जल्दी से, भाई आरपीजी निकाल ट्रेवर, और भाई फटाफट से मार इनको यार, कसम से कह रहा हूँ बहुत बुरा मार रहे हैं यार ये लोग। भाई मैं तो बिल्कुल मस्त कोट वोट पहन के भाई, मेरे तो पूरे खून वून पूरे निकाल दिए। ट्रेवर भाई तू आरपीजी निकाल ले भाई जल्दी से, फटाफट इनको आरपीजी से ही मारेंगे फटाफट से। तो गाइज यहाँ पे भाई बहुत बुरी वाली फाइटिंग हो चुकी है। अरे ट्रेवर भाई तो पीछे आ जाओ और आरपीजी निकाल ले भाई, कितनी बार बोलूँ भाई, बहुत बुरी बार गैंग वॉर हो चुकी है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे देखो यार ट्रेवर ने आरपीजी निकाला भाई, ट्रेवर मार तू बहुत बुरा मारेगा, ट्रेवर मार मार ट्रेवर मार तू। ट्रेवर यहाँ पे आरपीजी निकाल लिया और भाई ट्रेवर मार रहा है भाई, धमाधम सबको मार रहा है भाई, उड़ा दे सबको मचका दे ट्रेवर भाई, आज तेरा दिन और मैं तेरा साथ दे रहा हूँ। मार ट्रेवर मार, बहुत बुरी तरह मार इसको, कसम से कह रहा हूँ इतना मार कि भाई बाइकर्स गैंग का नामो निशान खत्म हो जाए। अब देख सकते हैं गाइज इतनी इतनी मतलब हैवी हैवी गाड़ियाँ, ये विंटेज गाड़ी लेके आए, सबकी सब खराब करूंगा मैं आज, सबकी सब खराब करूंगा भाई, पता तो चले कि भाई यहाँ पे किससे पंगा ले, सबकी सब गाड़ियों की खराब करूंगा भाई। बाइकर्स गैंग भाई देखो बहुत बुरे हैं यार, मतलब बिना मतलब किसी से पंगे ले लेते हैं यार। और भाई ट्रैवर बंदा अकेला है तो भाई इसको पकड़ ले यहाँ पे। और तेरी भाई ट्रैवर मुझे मारेगा क्या भाई, मेरे ऊपर यार भी छोड़ी, बिल्कुल ही बाल बाल बचाऊँ। तो गाइज देख सकते हैं भाई बहुत बुरा हाल कर दिया बाइकर्स गैंग का, हमने गाड़ियाँ भी इनकी पूरी की पूरी तोड़ दी है। और भाई यहाँ पे एक भी बंदा बचा नहीं है यार, एक भी बंदा नहीं है। तो गाइज यहाँ पे देखो अब ओ ओ ओ अंदर से भाई एक बंदा आया, अंदर से भी एक बंदा आया। तो भाई ओ वापस वहां से भी आ रहे हैं। तो गाइज चलते हैं वहां पे देखते हैं कोई बंदा और तो नहीं है। तो चलते हैं गाइज बाहर की तरफ और गन को रीलोड मैंने कर लिया है। खैर अभी तो कोई बंदा यहाँ पे है नहीं। ओ ओ ओ भाई वहाँ पे भी बंदे हैं, वहाँ भी बंदे हैं भाई 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 भाई। और कहाँ पे यार फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड मत आ, तू लेके जाए इस फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड को मैं उड़ा दूंगा, ये साले के साले यहीं सारे सबको मैं धो दूंगा आज। गाइज यहाँ पे लगभग सारे बंदे फिनिश भी हो चुके हैं अभी, और देख लेते हैं कि गाइज यहाँ पे कोई और बचा तो नहीं है। बचा होगा तो भाई उसकी मैं खटिया खड़ी कर दूंगा यहाँ पे, मैं मार ही दूंगा उसको पूरा का पूरा। खैर अभी चलते हैं और उठाते हैं इनकी एक बाइक और फटाफट से रवाना होते हैं यहाँ से। ट्रेवर जल्दी से आ जाओ और बाइक में बैठ के चलते हैं फटाफट से अपने घर और देखते हैं कि भाई वहाँ पे क्या होने वाला है। और भाई यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट हो गया है और इनकी बाइक कितनी खच्चर सी बाइक है यार, बिल्कुल पीछे से उठ रही है यार, पता नहीं कौन सी गोस्ट राइडर वाली बाइक लेके आए हैं।
तो गाइज आज का एपिसोड कैसा लगा आपको भाई जरूर से बता दीजिएगा। और भाई वीडियो अगर पसंद आए ना तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करें बिना जाना मत। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लाइक के बटन को हिट करना है, सब्सक्राइब बटन को हिट करना है, और जो सब्सक्राइब बटन होता है ना पहले लाल होता है आपको तो पता ही, और जैसे ही आप सब्सक्राइब कर दोगे ना तो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आज का जो वीडियो हुआ इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और चैनल का नाम आपको याद ही होगा भाई गेमर भारत से बदलकर बीबी गेमर हो चुका है। तो गाइज इन फ्यूचर अपन बीबी गेमर नाम से ही वीडियो डाला करेंगे। तो गाइस आज का एपिसोड इतना ही था, आई होप आप सबको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिएगा। आज का एपिसोड इतना ही था, आई होप आपको पसंद आ गया होगा। आ गया तो भाई लाइक कर देना, जाना मत यार। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिएगा।